नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th इतिहास में समय की शुरुआत पाठ में आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इसी पाठ में मानव की जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी के बारे में विद्वानों ने किस प्रकार से जानकारियां प्राप्त की, उसका अध्ययन है वो किया था। आज हम देखते हैं इसी में आगे। तो देखिए, अर्थात जिसे हम वर्तमान मानव की सबसे पहली प्रजाति हैं, होमोनिड मानव, वह लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर हैं, वो होने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, होमोनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हैं। किससे विकसित हैं? होमिनाइड उपसमूह से, और उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है, लेकिन वे चौपाए भी थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल है वो कर सकते थे। अर्थात होमिनाइडों की तुलना में जो होमिनिड मानव है, वो मानव से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। उसके हाथ इतने मजबूत होते थे कि वे औजार बना सकते थे और वह अपने हाथों का अलग अलग इस्तेमाल भी कर सकता था। उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दो प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। होमिनिडों का उद्भव कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराव से जुड़ा हुआ था। अर्थात जो अफ्रीकी वानर थे, उनका जो समूह है वो होमिनिडों से बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ था। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं, अर्थात सबसे प्राचीन जो होमिनिड के जो जीवाश्म मिले हैं, उनकी जो किस्म है वो कौन सी है, या जीन्स है वो कौन सा है, या वंश कौन सा है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश, और पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। अर्थात इस प्रकार जो हमें प्राचीन काल के जो अवशेष मिले, होमिनिड जीवाश्म मिले, उनका अध्ययन किया गया, तो उसमें अफ्रीका में ऐसे जीवाश्म हैं वो पाए गए थे। अब मानव का जो हाथ का है वो क्रमिक विकास कैसे हुआ होगा? उसमें विद्वानों ने एक तो चिंपांजी का हाथ लिया और एक मनुष्य का हाथ लिया, और फिर उनमें बहुत कुछ समानता दिखाई, और समानता के साथ साथ और भी ऐसी कई चीज़ें उन्होंने हैं वो दर्शाई थी, जिनको अपन मान सकते हैं
कि जैसे आप बुक्स के अंदर पेज नंबर 11 पे चित्र देखोगे तो उसमें आकृति जो क दी गई है वो चिंपांजी के हाथ की तरह दी गई, जिसमें चिंपांजी की ठीक व सूक्ष्म जो पकड़े वो दर्शाई गई, और दूसरी आकृति ख दी गई है वह होमोनिड की हाथ की आकृति है और जो दुरुस्त और सूक्ष्म पकड़ को है वो दर्शाती है। मतलब जो ख आकृति है उसमें होमोनिड जो मानव है उसकी जो एक मजबूत हाथ की आकृति दिखाई गई है, और आकृति ग है वो मनुष्य के हाथ की सशक्त पकड़ है वो दर्शाती है। तो इस चित्र में जो ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो चिंपांजी का जो हाथ है उससे होमोनिड मानव का हाथ और उसके बाद वर्तमान मानव का हाथ है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास किया और वह अधिक मतलब मजबूत या कार्यकुशल हाथ है वो बना था। क्योंकि ऐसा मानना विद्वानों का कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कार्यकुशलता के आधार पर ही उसकी जो मतलब बढ़ने घटने की एक बात चलती है। पहले मानते थे कि मानव के भी पूंछ होती थी लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग न होने कारण से वो विलुप्त हो गई थी, ऐसा भी मानना जाता है। तो देखिए हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपांजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए तो उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ का क्रमिक विकास है वो हुआ था। अब देखिए होमिनिडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं और इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल भी है वो कर सकता था। मतलब होमिनिड जो है उस मानव में कई विशेषताएं थी जिसमें अपन देख सकते हैं कि उसके मस्तिष्क का आकार कैसा था, बड़ा था, पैरों के बल पर सीधे खड़े होने की क्षमता थी, दो पैरों के बल पर चलने की क्षमता थी, हाथ की विशेष क्षमता थी जिससे वह औजार बना सकता था और इसका इस्तेमाल कर सकता था। कौन से मानव में? होमिनिड समूह के मानव में। अब देखिए होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है और इन शाखाओं को जींस कहते हैं, और इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है, और इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अर्थात जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का जो आकार है वो होमो की अपेक्षा क्या होता है भाई? बड़ा होता है, जबड़े मुंह के जो होते हैं भारी होते हैं और दांत भी क्या होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं। अब एक यहाँ शब्द आएगा जींस, तो हिंदी में जींस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? वंश के लिए। अर्थात वंशानुगत जो कार्य होता है उसमें किसका योगदान होता है? जींस का। तो इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए थे वे सभी लैटिन भाषा और यूनानी भाषा से मिलकर बने हुए थे। कौन सी भाषा? लैटिन और यूनानी भाषाओं से मिलकर बने हुए थे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम है, ये लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल
यानी दक्षिणी, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना हुआ है। वापस ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम है वो किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल, और ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के पिथिकस जिसका अर्थ क्या होता है? वानर। और इन दोनों को मिलाकर ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द का निर्माण किया गया था। तो इसमें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप वानर के अनेक लक्षण बरकरार रहते हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, और हाथों की दक्षता का सीमित होना, और उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यकता अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मोड़ा होना, टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। ये क्यों था? क्योंकि अभी भी उसका जीवन है वो किस पर आधारित था? पेड़ पौधों पर, और पेड़ पौधों पर चढ़ने के लिए उसके अनुसार शरीर है वो होना चाहिए। तो होमो की तुलना में जो मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांतों का बड़ा होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की मतलब लक्षण या विशेषताएं मानी जा सकती हैं। और वह सीधे खड़े होकर चलने में भी ज़्यादा सक्षम नहीं था, क्षमता नहीं थी, क्योंकि अभी भी उसको पेड़ पौधों पर है वो जीवन यापन करना पड़ता था। अब है होमिनाइड। तो होमिनाइड को समझिए, बंदरों के कई तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है, उनकी पूंछ नहीं होती है, और होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी है वो होती हैं। फिर देखिए, यहाँ किताब के अंदर पेज नंबर 11 पे ही अंतिम छोर पर एक दृश्य दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और ये दृश्य है, ये पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुवई गोर्स रिफ्ट घाटी का है, जो इन उन इलाकों में से एक है जहाँ आदिकालीन मानव के बसने का या रहने के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहें दिखाई दे रही हैं, और इनमें से हर सतह एक अलग भूवैज्ञानिक चरण को है वो दर्शाती हैं, अर्थात यहाँ से सबसे पहले मानव के अवशेष जानकारी प्राप्त हुई थी। अब देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई गोर्ज जो पूर्वी अफ्रीका में आया हुआ है, वहाँ से खोज की गई, और जिसमें 17 जुलाई 1959 को इसके बारे में जो विशेष जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। तो देखिए, सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा इस स्थल को खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नामक नाम मेरी और लुइस लिकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया। मेरी लिकी ने ही ओल्डुवई और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी, और वहाँ से अनेक रोमांचक खोजों में उनका हाथ रहा था। लुइस लिकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन है वो किया था, उसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो समझिए, लुइस लिकी क्या लिखते हैं खोज के समय। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस होने लगा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा, क्योंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया था।
हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का इसमें मिला था। हमें अपना काम पूरा करने के लिए कितना? 7 सप्ताह का समय मिला था, और जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूट्स के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ दिन बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने है वो काट लिया। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे अथवा किसी सांप ने डस लिया है, जो कुत्तों की नज़र से बक्स निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी और वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। लुइस लिकी कहते हैं कि मैं अब भी सिरदर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठे हो? तब मैरी ने उत्तर दिया, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए। अर्थात जो लुइस लेकी और मेरी जो वहाँ पर शोध अभियान में गए थे, खुदाई कार्य में पुरातत्व विभाग के तहत गए थे, और वहाँ उनको पहली सफलता प्राप्त हो गई, और ये सफलता उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। धन्यवाद। कल इससे आगे अपन पढ़ेंगे।